हरियाणा में बुधवार को कांग्रेस और भाजपा के नेताओं का ताबड़तोड़ प्रचार हो रहा है। उसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस विजयी हो रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भारी जन समर्थन कांग्रेस के साथ है। बहुत सारी पार्टियों ने ज्वाइन किए, जेजेपी के भी हैं, बीजेपी के हैं, बहुत सारे रोज ही ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये सब ज्वाइन करें जन भावना देख के, हरियाणा में जन भावना बनी हुई है कि सारी जो है सारे 36 बिरादरी और हर वर्ग के लोग कांग्रेस की जो रुझान है। सर 48 घंटे से कम समय रह गया है प्रचार प्रसार के लिए, किस तरह की रणनीति अब कांग्रेस? अब जा रहे हैं राहुल जी, आ रहे हैं आज और अच्छे मजबूत है हमारे उम्मीदवार, सब जीतेंगे। कल जो रोड शो हुआ उसका कोई असर होगा? किस चीज का? किसका रोड शो हो गया? मैं तो था नहीं यहाँ, लेकिन मैंने बता दिया जन भावना बन चुकी है, 36 बरादी मन बना चुके हैं, कांग्रेस जो है कांग्रेस पक्ष में लहर चल रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि हरियाणा में चुनाव प्रचार में 48 घंटे से भी कम समय रह गया है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं ने हरियाणा में डेरा डाल दिया है और आज ताबड़तोड़ प्रचार किया जा रहा है। जहां राहुल गांधी चरखी दादरी, पंचकुला और सोनीपत में बड़ी रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी फरीदाबाद से लेकर कोसली और अन्य जगहों पर प्रचार कर रही है। उसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस 10 की 10 लोकसभा सीटों पर विजयी होगी। बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है सभी जगह से, हमारे भी बड़े नेता आ रहे हैं, कल खड़गे जी आए थे, आज राहुल जी आ रहे हैं, दादरी में आ रहे हैं, सोनीपत में आ रहे हैं, पंचकुला भी जाएंगे, कल प्रियंका जी आ रही हैं, सरसा में आ रही हैं, पानीपत में आ रही हैं। तो बड़ा जबरदस्त जो प्रचार भी चल रहा है, लोगों का रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। हम सारे प्रदेश में घूम रहे हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी तरह से भाजपा को क्लीन स्वीप करने का काम कांग्रेस करेगी। 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है और विधानसभा का भी उपचुनाव जीत रहा है। बीजेपी के जो बड़े नेता हरियाणा में आए हैं, कांग्रेस के उतने नेता नहीं आए, क्या इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, हमारे जिनकी जो आवश्यकता समझी थी वो सारे नेता आए हैं। अब राहुल जी से, प्रियंका जी से, खड़गे जी से बड़े नेता कांग्रेस में कौन है? सचिन पायलट भी है, वो भी आए हैं, वो सभी जगह जो आ रहे हैं। ओवरऑल पूरी तरह से मैंने कहा कि कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीतेगी, लोकसभा की और एक विधानसभा। अगर कोसली जो है वो डिसाइडर फैक्टर माना जा रहा है, तो आज बीजेपी की भी बड़ी रैली वहां पर होगी। कोसली में भी कांग्रेस अच्छे मार्जिन से जीतेगी। ओवरऑल क्या देख रहे हैं सर? ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि जितेंद्र हुड्डा जी रिकॉर्ड वोटों से जीते। हरियाणा में कांग्रेस को समर्थन देने कई दिग्गज नेता खुद प्रदेश आ रहे हैं, जिससे पार्टी को भरपूर समर्थन मिल रहा है। ऐसे में लोगों का कांग्रेस की तरफ उत्साह देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी जीत हासिल कर सकती है। वहीं लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा भी पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन जीत की चाबी तो जनता जनार्दन के पास ही है। ऐसे में 4 जून को इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता अपना उम्मीदवार किसे चुनती है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।